हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर विराट हमारे साथ बैठे हुए हैं। विराट, तो ये एक स्टार पैटर्न बनाएंगे जो कि यूजर की मदद से एंटर करवाया जाएगा। तो यानी कि अगर पांच रो का स्टार पैटर्न अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर छह रो का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यानी कि यूजर एंटर करेगा कि कितने रो चाहिए, तो ऐसा स्टार पैटर्न बना के दिखाइए। टेबल ले लिया यानी इंटीजर टाइप का, एबीसी तीन वेरिएबल लिए हैं इन्होंने। यहां देने वाले हैं एंटर द नंबर ऑफ रोज, एंटर द नंबर ऑफ रोज, ये हो गया। और देन स्कैनफ लगाएंगे, पहले लूप लगाएंगे, लगाइए स्कैनफ, ब्रैकेट ओपन, परसेंट डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, एड्रेस ऑफ ए, गुड। अब यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर, लूप चलाने के लिए बी बनाया इन्होंने, बी की वैल्यू को 1 से स्टार्ट किया है और बी इज लेस देन इक्वल टू ए, गुड, बी प्लस प्लस, ओके। लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना ली और लूप के अंदर एक और लूप यूज किया है इन्होंने, यानी फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप यूज किया है और उसमें सी नाम का एक वेरिएबल जिसे इनिशियलाइज किया गया है, सी में वैल्यू 1 रखी गई है, सी इज लेस देन इक्वल टू बी रखा गया है और यहाँ पे सी प्लस प्लस, ठीक है। फिर लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनेगी, तो ये कर्ली ब्रैकेट से लूप की बॉडी बन गई और यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ, और चूंकि स्टार पैटर्न प्रिंट करवाना है तो स्टार प्रिंट करवाइए, और स्टार प्रिंट करवाने के बाद लाइन चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं, बैकस्लैश एन, तो नीचे लगा दीजिए प्रिंट एफ में बैकस्लैश एन, तो ये देखिए ये लग गया प्रिंट एफ और यहाँ पे हो गया बैकस्लैश एन, टर्मिनेशन हो जाएगा और इसको सेव करिए और यहाँ पे चला दीजिए। ये देखिए यहाँ पे अब रो नंबर एंटर करना है, तो 5 रो 1 रो नहीं 5, ओके गुड। अब अगर मान लीजिए 10 रो एंटर करें तो यहाँ पे इसको क्लोज कीजिए, दोबारा से चलाइए प्रोग्राम को, 10 रो एंटर कीजिए, बड़ा करिए स्क्रीन को, बड़ा कीजिए, देखिए यहाँ पे 10 रोज भी एंटर हो जा रहे हैं, देखिए 10 रोज का पैटर्न प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपको 13 रो का पैटर्न प्रिंट कराना है तो 13 यहाँ पे आ जाएगा, तो एक बार और चला दीजिए 13 रो दिखा दीजिए, 13 15 20 जितना करना है कर सकते हैं, ठीक है।